हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है आपका हेक्साडेसिमल सबस्ट्रैक्शन। एग्जांपल आपके सामने है 7b6 बेस में आपका 16 माइनस 6c5 बेस में आपका 16। बेसिकली आपको ध्यान ये देना है बेस आपका 16 होगा, बोरो आपका 16 होगा, तो बेसिकली हमें ये माइनस करना है, क्लियर। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख देंगे, तो 6 में से 5 तो आपका माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। बी का वैल्यू कितना है आपका 11 है, सी का वैल्यू 12 है, तो 11 में से 12 जाएगा नहीं जाएगा क्योंकि माइनस वन आएगा, तो माइनस वन आएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे इसमें से एक बोरो लेंगे तो ये आपका 16 हो जाएगा, देन इस 16 को इस बी से ऐड करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे हमने किया 16 प्लस बी यानी 16 प्लस 11 27, और 27 आपका ये वैल्यू आया, उसमें से हम क्या करेंगे सी के वैल्यू को माइनस करेंगे, तो सी के वैल्यू को हम लोगों ने माइनस किया 12 को, तो कितना आया 15, और 15 के जगह पे हम जानते हैं 15 के लिए क्या लिखते हैं, हम एफ लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया एफ लिख दिया, और यहाँ से 7 में से एक आपका चला गया था तो कितना बचा 6, देन 6 माइनस 6 क्या हो गया 0 हो गया। तो यहां तक आई हो पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पहले बनाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक के लिए।